वीरता और साहस के पर्याय अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की 93वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मंगलवार को श्रद्धांजलि समारोह आयोजित की गई। भागलपुर आदमपुर चौक स्थित चंद्रशेखर आजाद स्मारक परिसर में संस्था नरसेवा नारायण सेवा भागलपुर की ओर से आयोजित श्रद्धांजलि समारोह का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नरसेवा नारायण सेवा के अध्यक्ष दिनेश मंडल ने की। इस दौरान भाजपा नेता अर्जित शाश्वत चौबे, जिलाध्यक्ष संतोष कुमार, मनीष दास, विनय कुमार सिन्हा, जगत राम शाह समेत काफी संख्या में लोगों ने वीर शहीद चंद्रशेखर आजाद को नमन किया। वहीं इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश आजाद के बलिदानों को कभी नहीं भुला सकता। साथ ही दिनेश मंडल ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद ने समाज और राष्ट्र के लिए जो सपना देखा था उसे हम सभी को चरितार्थ करने की जरूरत है। मौके पर महंत अरुण बाबा के अलावा नरसेवा नारायण सेवा संस्था के प्रतिनिधि एवं भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का मनाई गई और इसमें माननीय केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी आए और माला अर्पण किए और सब लोग से मिले और गए। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की जनविश्वास यात्रा प्रदेश के विभिन्न जिलों से होते हुए मंगलवार को अंग प्रदेश की धरती भागलपुर पहुंची, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव ने तेजस्वी प्रसाद यादव को बुके एवं भागलपुरी सिल्क चादर से सम्मानित किया। यात्रा के दौरान तेजस्वी प्रसाद यादव के स्वागत में भागलपुर की सड़कों पर आए हजारों कार्यकर्ताओं का तेजस्वी प्रसाद यादव ने हाथ हिलाकर अभिनंदन किया। जनविश्वास यात्रा कार्यक्रम में आलोक कुमार मेहता भी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते नजर आए। वहीं जनविश्वास यात्रा मंगलवार की शाम सड़क मार्ग से रजौन पहुंची। बता दें कि तेजस्वी प्रसाद यादव का काफिला जैसे ही बांका जिला की सीमा में प्रवेश किया, कार्यकर्ताओं का उत्साह दोगुना हो गया। उन्होंने बस के अंदर से ही हाथ हिलाकर कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया और धीरे धीरे काफिला वहां से आगे बढ़ती रही, जिसके बाद टेकानी मोड़ के समीप पहुंचने पर बस पर पूर्व सांसद जयप्रकाश यादव, गोड्डा के पूर्व विधायक संजय यादव, जावेद इकबाल अंसारी, संजय कुमार एवं धौरैया विधायक भूदेव चौधरी बस पर सवार हुए, जिसके बाद सांझा, तेरमाइल, कटियामा मोड़, राजावर मोड़, रजौन बाजार और पुंसिया में जगह जगह पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। भागलपुर प्रमंडल अंतर्गत जयप्रकाश उद्यान में सेना, सशस्त्र पुलिस बल, स्वतंत्रता सेनानियों और जेपी आंदोलन के सेनानियों के सम्मान में भागलपुर शौर्य स्मारक एवं ध्यान केंद्र का शिलान्यास सोमवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने पूजन के बाद नारियल फोड़कर किया। इस दौरान मौजूद मंत्री समेत सभी अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर किया गया। बता दें कि भागलपुर वन प्रमंडल, केंद्रीय भंडारण निगम और जिला प्रशासन के सौजन्य से भागलपुर जयप्रकाश उद्यान में शौर्य स्मारक एवं ध्यान केंद्र का निर्माण होना है, जिसका शिलान्यास करने के बाद केंद्रीय मंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए शौर्य स्मारक एवं ध्यान केंद्र के निर्माण की सराहना की। वहीं शौर्य स्मारक शिलान्यास आयोजन समिति और मिशन वंदे मातरम भागलपुर की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं के साथ काफी संख्या में स्थानीय लोग भी शामिल हुए, जबकि कार्यक्रम का संचालन अर्जित शाश्वत चौबे ने किया। इस दौरान वीर शहीदों और देश के लिए बलिदान देने वालों को नमन कर श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष कुमार, अभय वर्मन, अभय घोष, सोनू समेत कई भाजपा कार्यकर्ता और आयोजन समिति से जुड़े सदस्य एवं अधिकारी मौजूद रहे। वन संरक्षक पदाधिकारी भी मौजूद है। जिस उद्यान में, जयप्रकाश उद्यान में ये कार्यक्रम होना है, कार्यक्रम भले ही मैदान में हो रहा है, ये नाम भी सौभाग्य से इसका पहले संदेश कंपाउंड कहते थे। मैं जब यहाँ विधायक हुआ करता था, मैंने इस नाम को बदलने का प्रयास किया। हालांकि अभी भी जुबान से लोग संदेश कंपाउंड ही बोलते हैं, लेकिन दोनों तरफ आप देखते होंगे, गेट के भीतर आएंगे तो मैंने ही उसका नाम बदल करके जयप्रकाश मैदान किया।
मंगलवार को अपने भागलपुर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने राष्ट्रीय जनता दल और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव की यात्रा को लेकर जमकर निशाना साधा। अश्विनी चौबे ने कहा कि ये जनविश्वास यात्रा जनता के लिए धोखा देने की यात्रा है, इन सभी को अपने कुकर्मों के लिए जेल जाना ही पड़ेगा। मंत्री ने लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर कहा कि लालू प्रसाद यादव ने इन सभी के नाम पर जमीन का घोटाला किया है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी एवं तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कांग्रेस और राजद के युवराज भ्रष्टाचारी हैं और ये सभी परिवारवाद एवं खानदान की पार्टी है। अश्विनी चौबे ने कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल समेत विपक्षी गठबंधन के सभी दलों को भ्रष्टाचारी और देश विरोधी बताते हुए कहा कि जनता ने तय कर लिया है 2024 लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। ये यात्रा जनता को धोखा देने का यात्रा है। ये तेजस्वी यात्रा जो निकाल रहे हैं, पहले तो वो जवाब दे बिहार के लोगों को कि वो जमीन का घोटाला रेलवे के बदले युवाओं का जमीन हड़पने का काम जो किया उनके पिताश्री ने और वो उनके नाम से किया, इनको तो जेल जाना ही पड़ेगा। ये नाटक कर रहे हैं, ये जनता के आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये सभी भ्रष्टाचारी, परिवारवाद, वंशवाद, ऊपर युवराज जो है ये कांग्रेस के युवराज और ये राजद के युवराज। माँ बाप के बेटे सब लोग होते हैं लेकिन माँ बाप की पार्टी बहुत कम लोग देखते हैं। माँ बाप की कोई पार्टी नहीं होता है लेकिन उन्होंने माँ बाप की पार्टी, ये हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोग खानदान के नाम पर पार्टी चलाना चाहते हैं। वो कांग्रेस भी अब खानदानवाद पर चली गई, वो परिवारवाद खानदानवाद की पार्टी, इनका तो नष्ट नाबूद होना है। ये तमाम इंडी गठबंधन, ये ठगबंधन महा ठगबंधन, इनका सफाया हो जाएगा और अगले बार, अब की बार 400 बार। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराए तथा सुनने की मशीन लगवाए। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर के सजौर थाना अंतर्गत राधानगर बगीचा के समीप मंगलवार की शाम जर्जर सड़क के कारण एक मोटरसाइकिल सवार दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना में दो युवक के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है, जिसके बाद स्थानीय लोगों एवं पुलिस के द्वारा घायल युवकों को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर भेजा गया। घायल युवकों की पहचान बांका के बबूरा गांव निवासी विकास ठाकुर एवं लाखो दास के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार युवक धनकुंड से अपने ससुराल नाथनगर जा रहा था, तभी राधानगर बगीचा के समीप जर्जर सड़क के कारण बाइक अनियंत्रित हो गई, जिससे वो दोनों गिर गए और गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इधर घटना की जानकारी मिलते ही सजौर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया।
जगदीशपुर प्रखंड के गोनू बाबा धाम में माघी पूर्णिमा को लेकर भव्य दंगल का आयोजन कराया गया। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इस दंगल में पहली बार महिला पहलवानों ने भी अपना दमखम दिखाया। पहली बार भागलपुर में दर्जनों महिला रेसलर की पहलवानी देखने को मिली। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड के अलावा नेपाल से पहलवान उपेंद्र थापा भी आए थे। साथ ही कई जगह से महिला रेसलर भी पहुंची, जिसे देखकर गांव की लड़कियां काफी प्रभावित हुई। बक्सर की पहलवान शिवांगी सिंह ने कहा कि वो दंगल से काफी प्रभावित है और पहलवानी को अपना एम बना चुकी है। दंगल के आयोजन में हर साल की भांति स्थानीय समाजसेवी लड्डू यादव का काफी योगदान रहा। अखाड़ा में प्रथम विजेता फोटो पहलवान रहे। मौके पर धौरैया विधायक भूदेव चौधरी, डॉक्टर पंकज कुमार, जगदीशपुर थाना अध्यक्ष गणेश कुमार, राम जन्म यादव, सोनू कुमार समेत अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। जैसे हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट करते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग पब्लिक आए हैं हमको देखने के लिए, तो हमारे जैसे उनके भी पेरेंट्स सपोर्ट करें ताकि हमारे जैसे वो भी अच्छे खिलाड़ी बने और देश का नाम रोशन करें। हमको आके कुश्ती लड़की बहुत अच्छा लगा है और यहाँ की जनता और जो कमेटी है हमें बहुत सम्मान इज्जत सब कुछ दिया है और ऐसा मतलब आप लोग बार बार बुलाएं कि हम इस क्षेत्र में और अन्य अन्य जगह पे जाना चाहूँ। कई राज्यों से पहलवान इन लोगों को दिया गया राशि जी मैडम। भागलपुर नारायणपुर प्रखंड के बैकंठपुर बिट्टा गांव में 3 दिन पूर्व भीषण आग लग गई थी, जिसमें लगभग सैकड़ों घर जलकर खाक हो गई थी और कई परिवार बेघर हो गए थे। अगलगी से प्रभावित गरीब परिवारों के पास न तो खाने के लिए कुछ बचा था और न ही रहने के लिए। ऐसे में समाज सेवी बबलू मंडल सभी को मदद का भरोसा दिलाने पहुंचे। बबलू मंडल ने बताया कि आग की खबर लगते ही वो गांव गए, जहां उन्होंने कई परिवारों को बेघर देखा। इन परिवारों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ऐसे में उन्होंने इन सभी परिवारों को भोजन कराने का फैसला किया और गांव में रसोईया से खाना बनवाकर सभी गरीब परिवारों को खाना खिलाया। वहीं इसको लेकर मुखिया अरविंद मंडल ने बताया कि इन गरीब पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद की जाएगी। इस दौरान सैकड़ों गरीब परिवार मौजूद थे। 3 दिन पहले आगजनी हुआ था। कैसा आग लगी थी? आगजनी आप लगा था, अचानक आग लग गया। हाँ, कितने घरों में? लगभग सैकड़ों घर जल के राख हो गया। सैकड़ों घर? हाँ, इस सैकड़ों घर के जितना भी लोग है सभी हर चीज से बेघर हो गया। ना किसी कपड़ा बचा है, ना कोई राशन पानी है, ना कोई एक वो खाने के लिए सबको है। 3 दिन हो गया? हाँ, 3 दिन हो गया। कोई सहायता इन लोगों को देने? सहायता CO साहब से मिला है इनको पन्नी खाली। हाँ, और बाकी आगे क्या होगा नहीं होगा वो तो और कोई सहायता नहीं अभी तक तो।